चले बढ़ते हैं चतरा की ओर, जहां जिले के चंगेर सामुदायिक भवन में हनी मिशन के अंतर्गत SHG प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के बीच खादी ग्राम उद्योग आयोग रांची द्वारा मधुमक्खी पालन कीट और मधुमक्खी का बक्सा दिया गया। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्राम उद्योग के निदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। ये केंद्र हर तरह महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण दे रही है, लेकिन मधुमक्खी पालन में महिलाओं को निःशुल्क दिया जा रहा है। वहीं इस खादी ग्राम उद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमें खुशी है, चंगेर गांव की महिलाओं ने 7 और 5 दिन का निःशुल्क मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के बीच मधुमक्खी का बक्सा, मधु निकालने का कीट वितरण किया जा रहा है। मनोज कुमार सिंह ने कहा, इससे पालन से गांव में खेती उपज में वृद्धि होती है। हाथी गांव में मधुमक्खी के डर से प्रवेश नहीं करते। उन्होंने कहा, मीठी क्रांति को चलाए, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर अधिक होंगी, रोजगार भी बढ़ेगा। ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में चल रहा है। इस अवसर पर गांव की कई महिलाएं आई, प्रोग्राम के बारे में शामिल होकर जानकारी प्राप्त की। इस शुभ मौके पर निदेशक जितेंद्र कुमार गुप्ता, सुनील कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, विनय सिंह, नागेंद्र कोकर, श्यामदेव चौधरी, गांव की कई महिलाएं शामिल थी। ट्रेनिंग समाप्त हुआ है और प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उनका प्रमाण पत्र का और मधुमक्खी बॉक्स आयोजित और मधुमक्खी बॉक्स वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे अपने बड़े भाई मनोज सिंह जी, विनय सिंह जी, उमेश जी, सुधीर सर, भारती जी, मोहन राम जी, श्री बालक सिंह जी, कुमार चौबे जी सहित उपस्थित अन्य प्रशिक्षकगण और महिला बहिना पहने। पहले तो मैं अपनी ओर से आप लोगों को शुभकामना प्रकट करता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर के उनको स्वरोजगार के लिए जागृत किया गया और प्रशिक्षित किया गया, और मुझको पूर्ण भरोसा है कि इस प्रशिक्षण से अपने माताएं बहनों को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में अपने माताएं बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगी। इसके लिए प्रशिक्षकगण और आयोजकगण को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्रशिक्षण पाया है और आने वाला समय में इसको और बृहद रूप देकर के, क्योंकि अभी तो आप लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, प्रशिक्षण के बाद आप लोग जब इसका शुरू करेंगे तो देख करके भी माताएं बहने और अन्य लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इसके लिए बहुत ही मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त था, आने में थोड़ा विलंब हुई, इसके लिए मैं अपनी ओर से क्षमा भी मांगता हूँ। इसलिए बाबा बाबू हमारे संपर्क में थे, हमको 1 बजे की सूचना मिली थी, लेकिन लगता है कुछ पहले आ गए और नगर में अपना कार्यक्रम चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जो है भारत सरकार द्वारा का उद्देश्य जो है वो है रोजगार उत्पन्न करना, और उसी रोजगार उत्पन्न के माध्यम से हम लोगों में किस तरह से आय में वृद्धि हो आर्टिजन्स की, और मीठी क्रांति जो एक स्वीट रिवोल्यूशन है उसके तहत हमने यहाँ चतरा के अंदर 200 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया और इसके अंदर कम से कम 20 महिलाओं को इसमें रोजगार का साधन उपलब्ध होगा, और आने वाले टाइम में इस तरह से मधु का एक ही उपयोग नहीं है, हर जगह उसका, शहद का हर जगह हम उपयोग करते हैं, चाहे बीमारी हो चाहे वैसे हो, और इसके अलावा जो वेस्टेज दूसरी चीजें होती है, वैक्स बनता है, ये भी काफी चीजों में मात्रा में उपलब्ध किया जाता है। तो खादी ग्राम उद्योग आयोग ने अभी 3 दिन पहले ही हमने सिमडेगा में 320 बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, तो लगातार हर साल हम जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है सर? महिलाओं को जोड़ने के लिए इसमें SHG के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के उपरांत हम एक जगह उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनके द्वारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा आय में उनकी वृद्धि कैसे हो, एक साथ कैसे मिलकर काम करें और अपने रोजगार को बढ़ाएं, आय में वृद्धि करें और लोगों को जोड़ें, इस बी बॉक्सेस से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है वो भी हमारा एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बक्से बढ़े। 200 बक्से दिए हैं तो इसको आगे चल के ये 300 बक्सों में हो, 400 बक्सों में हो, और यहाँ की जो प्रकृति है, झारखंड की जो प्रकृति है उसी हिसाब से शहद का निर्माण। तो महिलाओं को जो बॉक्स है वो घर पर ले जाकर अपना उपयोग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो महिलाओं के नाम पे ही है, 10 बक्से एक महिला को दिए गए हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर भी साथ में है,
तो माइग्रेशन कराना है, कहाँ कहाँ लेके जाना है, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए ये भी जरूरी है कि उनको पूरा पोषण मिलता रहे, फ्लोरा वहाँ हो, उसके लिए भी हमने मास्टर ट्रेनर रखा हुआ है। आनंद करके मास्टर ट्रेनर हमारे साथ में आए हुए हैं, उनका उद्देश्य भी यही है किस तरह से उनको ट्रेनिंग देकर, ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग करने के बाद में ही हमने बक्सों का वितरण करा है। महिलाओं को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये ट्रेनिंग हर जगह मतलब गांव में दिया जा सकता है ना सर? हाँ जी, पाँच दिन का भी होता है, तो 5 डेज का हम ट्रेनिंग दे करके उनको उस तरह करते हैं। यहाँ पर SHG ग्रुप की महिलाओं को मतलब कि रोजगार से जोड़ने का एक सरकार की मुहिम चलाई हुई है और एक मिशन क्रांति सरकार ने भी चलाई है, तो तहत इसको स्वरोजगार से जोड़ना है, स्वावलंबी बनाना है, तो उस तहत यहाँ पर जगह को सिलेक्ट किया गया, चुनाव किया गया कि इस एरिया में मतलब कि मधुमक्खी पालन का काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विकास किया जाए मधुमक्खी पालन के लेकर के। तो चूंकि KVIC के मास्टर ट्रेनर के रूप में हम हैं, तो यहाँ चूंकि स्थानीय लोग से मिले, यहाँ बातचीत किए, तो इच्छा जाहिर किए कि हम लोग भी पालन करेंगे, तो फिर इनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत मतलब कि अभी मधुमक्खी बक्सा वितरण हो रहा है और KVIC के मास्टर ट्रेनर के रूप में इनको हम साल भर के लिए गाइडलाइन देंगे किस तरह से मधुमक्खी पालन का संचालन करना है, कैसे शहद निकालना है, कैसे डिवीजन करना है, कैसे मधुमक्खी बढ़ाएंगे, ये सारा विषय पर हम मतलब इनको हर समय मतलब कि टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देते रहेंगे, बताते रहेंगे कहाँ पर माइग्रेशन करना है, कहाँ शहद निकाला जाता है, कहाँ शहद ज़्यादा मिलेगा, इन सारी बातों का फीडबैक इनको मिलता रहेगा ताकि इनका बिजनेस जो फेलियर नहीं हो और अपने पैर पर चलना सीख जाए, मधुमक्खी पालन करना सीख जाए। क्या है इसमें जुड़ने के महिलाओं को शुल्क देना पड़ेगा क्या इसमें? नहीं, यह निःशुल्क है, पूरा एकदम प्रशिक्षण से लेकर के मधुमक्खी बॉक्स तक और जो भी इक्विपमेंट्स है वो टोटल निःशुल्क मिल रहा है। कितने दिनों का प्रशिक्षण मिलता है सर? 5 दिन के लिए भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 दिन का हमारे जैसे कि अभी बताएं कि फूल जहां रहते हैं जिस क्षेत्र में फूल ज्यादा खेती होती है वहाँ पे ज्यादा मतलब माइग्रेटरी बी कीपिंग है, जहाँ जहाँ चूंकि हम लोग तो व्यवसायिक रूप से पालन कर रहे हैं ना, शॉप के तरह तो पालन कर नहीं रहे हैं, तो जहाँ फूलों की अधिकता होती है, प्रचुर मात्रा में फूल मिलता है, वहाँ पर हम लोग इसको माइग्रेट करते हैं ताकि इनको भी भोजन मिल जाए और अपना भी कुछ फायदा हो जाए, शहद प्राप्त हो जाए। अभी इस समय किस तरह फूल? अभी हमारे झारखंड में आपका गुमला क्षेत्र में ढेलकाटा अभी खिल रहा है और ढेलकाटा तुरंत समाप्त होने के बाद हम लोग करंज का फूल हम लोग को मिल जाएगा, करंज का भी शहद हम लोग को मिल जाएगा, करंज के उपरांत फिर हम लोग रामगढ़ के तरफ पोलैंड के लिए, क्योंकि बरसात में तो चीनी खिलाना होता है और पोलैंड की कमी होती है, तो हम लोग रामगढ़ में चूंकि मकई की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो पोलैंड बहुत जरूरी है इस मधुमक्खी के लिए। इसका 2 प्रकार का भोजन है, एक जो फूल से शहद मिलता है और एक पराग मिलता है, ठीक है ना, तो दोनों भोजन बहुत अनिवार्य होता है, तो शहद तो नहीं मिल पाता है, फूल तो है नहीं, लेकिन पराग के लिए हम लोग मकई से प्राप्त कर लेते हैं, तो मकई के लिए हम लोग जहाँ मकई का विकास रुकता नहीं है। सर एक शहर है जिसे भी बताएं कि महिलाएं के लिए मधुमक्खी बॉक्स, आज से 15-20 साल पहले भ्रांति था कि मधुमक्खी रखोगे तो सब फसल खा जाएगा, फल फूल नहीं होगा, लेकिन अब किसान भी जागरूक हो गया, उसको भी पता है कि अगर यहाँ मधुमक्खी का बक्सा रखा गया तो हमारा लीची बढ़िया होगा, हमारा सूर्यमुखी अच्छा होगा, हमारा सरसों अच्छा होगा, हमारा करंज अच्छा होगा, या जो भी है मक्का हमारा अच्छा होगा। मक्का के समय में आप रखिए, आपके मक्के का फसल जहां मधुमक्खी है और जहां नहीं है, दोनों में अंतर हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के कारण। तो पहले ये एक व्यक्ति दो व्यक्ति को दिया जाता था, हमने 10 व्यक्तियों का समूह क्यों चुना, एक व्यक्ति को अगर 10 बक्सा देंगे, एक बक्से में अगर खूब बढ़िया से मधु होगा तो साल में कितना हो जाएगा, कितना बताया गया है, एक बक्से से कितना हानि निकल सकता है, कितना बताया है ट्रेनर, कहाँ गया? अभी एवरेज 40 से 50 किलो आ रहा है। देखिए 40 से 50 केजी हम मानते हैं कि 20 से 30 केजी निकले, 20-25 केजी भी पहला साल आप निकाल लीजिए तो हम आपकी सफलता करेंगे। तो एक एक मधुमक्खी पालक अगर 20 से 25 केजी निकालता है तो 250 केजी मधु उसको मिलेगा ना, 250 किला, तो 250 अपना भाड़ा लग जाएगा, बाकी हो जाएगा, और 250 केजी खरीदने भी कोई नहीं आएगा, लेकिन 10 का ग्रुप हो गया तो 250 कितना केजी हो गया, 2500 केजी हो गया,
आपके यहाँ दो ग्रुप है तो कितना हो गया 5000 केजी हो गया। तो अलग अलग सीजन में निकलेगा तो 1000 केजी अगर एक बार में निकलेगा 10 लाख रुपया लिया, उसके बाद हम वही बॉक्स खरीदे। पहले से हम करते थे मगर कम 10-20% था, फिर हम लोन लेके फिर अपना बॉक्स बढ़ाए करीब करीब 300-400 से, होते होते हमारा 1000 बॉक्स हो गया। फिर हम उसके आगे और बढ़ते गए और कुछ लोग को भी सहयोग किए, रेन्यूअल और लोगों को जो भी चीज़ जो भी जरूरत होता था उसको मैंने बताते थे और सभी को जो भी चीज़ जरूरत है, जैसे बॉक्स की जरूरत है, मक्की की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, वो सब भी मैं सहयोग करते थे, चलाने जगह मिलेगा या हमारे देते थे। उसके बाद हम आगे करते हैं, हमारे पास 1000 लगभग 700-800 बॉक्स है, 8-9-10 किताब रखते हैं और हर स्टेट हम माइग्रेशन करते हैं, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया और अपने यहाँ भी झारखंड में भी करते हैं। अच्छा, अभी एक बॉक्स में कितना पड़ता लगा था आपको? एक बॉक्स में वही 4000 से 4000 लगभग पड़ता है। अच्छा अच्छा, लागत तो आप लोग जहाँ देते हैं ग्रामीण लोग से क्या शुल्क भी लेते हैं आप लोग या कि निःशुल्क देते हैं? नहीं, हम लोग तो जैसे हम लोग को जैसे टेंडर होता है तो हम टेंडर भरते हैं। अच्छा, तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट तो आप अपना किस हिसाब से बांटते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट किसी से 10% लेते हैं कि क्या, हर विभाग अलग अलग है। अच्छा, अभी जो आप जाली लगाए हुए क्यों है जाली? ये हाँ, ये जाली इसलिए कि मक्खी फेस में अटैक करता है। अच्छा अच्छा, तो इसको फेस में अटैक करता है इसलिए फेस में हम लोग इसको डालते हैं। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।